नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल हेवन एट होम। आज मैं सोया चंक्स की करी बना रही हूँ। ये लंच एंड डिनर के लिए भी हो जाएगा। ये एक श्रीलंकन रेसिपी है। इस करी पैकेट के साथ एक करी पाउडर भी दिया था, तो मैं पहले सोया चंक्स को हॉट वाटर में डाल के छोड़ दिया था 10 मिनट्स के लिए। फिर सारे पानी निचोड़ के उसमें ये फ्लेवर वाला मसाला मिला लिया था। एक कढ़ाई में ऑयल ले ली हूँ। फिर इसमें जीरा, राई, करी पत्ता, ग्रीन चिल्ली और ओनियन डाल के थोड़ी सी फ्राई कर दूँगी। फिर इसमें टमाटर डाल के और थोड़ी देर और फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के और अच्छे से फ्राई कर दूँगी। इसको मैं कोकोनट मिल्क के साथ बना रही हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद फिर इसमें सोया चंक्स को डाल दूंगी। अब इसको मसाला में अच्छे से मिला लूंगी, तो पूरा ओवर कोट हो जाए सोया चंक्स के ऊपर सारे मसाले। फिर थोड़ी सी पानी डाल के उसको थोड़ी देर और चला लूँगी। फिर उसके बाद कोकोनट मिल्क उसमें डाल के और थोड़ा पानी डाल के उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डाल के थोड़ी देर फिर से मिला लूँगी। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ये बनके रेडी हो गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। Storms we chase and leave. कुल्लू गुल्लू की यहाँ पे खेल चल रही है। बच्चों ने लाइट भी लगा दी। इवनिंग टाइम अभी 7:05 हुआ है। आज टेम्परेचर थोड़ा चलेगा, मतलब 45 डिग्री है, बट ज़्यादा इतना ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। देखो बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। बाहर शायद दुबई के साइड में बारिश हो रही है थोड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। यहाँ पे देखो बारिश बारिश तो नहीं, ड्रिजलिंग हो रही है। मुझे अंशु ने वीडियो बना के भेजे थे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
यहाँ पे कुल्लू गल्लू उनकी स्कूटर एंड पीलो कुशन वगैरह को लेके घर बना रहे हैं। वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ। जय जगन्नाथ।